हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम बनाएंगे ग्वार की फली। सो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की नीड होनी चाहिए वो आप देखिए। ये हमने ग्वार की फली ली है, इसको मैंने बारीक बारीक कट किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे कट किया है। वैसे देखने में ये ऐसी होती है। ये हमारे मसाले हैं जो हम सभी सब्जियों में यूज करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और ये कटा हुआ प्याज है एंड लहसुन है और हरी मिर्च है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। पहले ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। एवरीवन, मैंने ये जो ग्वार की फली ली है ये आधा केजी है और इसको काटने में मुझे 45 मिनट्स का टाइम लगा था। इसको काटने में तो टाइम लगता है जब हम अच्छे से काटते हैं। सी एवरीवन, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं, एक चुटकी हींग डाल रहे हैं और जो कटा हुआ प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन है, वो सब भी डाल रहे हैं। तो इसको हम पकाते हैं। जब ये हल्का गोल्डन कलर देगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ, कि ये जो लहसुन और प्याज, हरी मिर्च, ये पक चुके। सी एवरीवन, हमारा जो लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, जीरा, वो सब अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कटी हुई बीन्स है हमारे पास, जो ग्वार की फली है, उसको इसके अंदर डालेंगे। और इसको हम चलाएंगे विदाउट मसाले के, 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। सी एवरीवन, हमने गैस का फ्लेम हाई रखा था और बगैर मसाले डाले 1 मिनट के करीब हमने इसको पकाया है। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये हमारी जो फली है ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने मसाले लिए हैं वो डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, आप अपने अकॉर्डिंग हर मसाले को लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, और धनिया पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, वैसे मुझे तो कम ही पसंद है बट वैसे अच्छी बनती है। सी एवरीवन, मैंने सभी मसाले अच्छे से इसके अंदर डाल के चला दिया है। पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देते हैं प्लेट से। ये हमने इसको कवर कर दिया और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम पे रखेंगे और आराम से इसको पकने देते हैं। सी एवरीवन, हमारी जो फली है उसको 15 मिनट के करीब हो गए हैं। ऐसे हमने कट करके देखा है, ये पक गई है अच्छे से। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो था तो इसको पकने में 15 मिनट का टाइम लगा था। अब हम इसमें जो हमने नींबू का रस लिया है उसको डाल रहे हैं। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो बट मैंने इसको चला लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो फली है इसको अच्छे से वॉश करें और बारीक बारीक कट करें। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, गैस का फ्लेम कम करके ही आपको पकाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, हैव अ गुड डे।